कन्नौज बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ में तमाम युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानकारी करेंगे कि किस तरह से ये इस बार चुनाव में नवनियुक्त युवा जो कि फर्स्ट वोटर हैं उनको जागरूक करने में क्या इनकी भूमिका है, कैसे ये बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जो कि इनके पिताजी हैं ये कैसे उनको चुनाव जिताएंगे, क्या रणनीति इन्होंने मन में बताई है, क्या इनके मन में विचार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ पाठक। ऋषभ जी, आपके पिताजी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नए युवाओं को लेकर क्या आपने मन में विचार बनाया, कैसे उन्हें जागरूक करेंगे? जितने भी नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उन सबसे हम लोग लगातार मिल रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और मेरे ख्याल से इस बार इस कन्नौज से हम लोग 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को या बुरी तरीके से। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं, अब उनको लेकर क्या आप लोग चुनौती समझते हैं? हम सब लोग चाह ही रहे थे कि वो चुनाव लड़े, तभी चुनाव में मजा आएगा। तेज प्रताप यादव जब आए थे लड़ने तब एक तरफा जीत हो रही थी भाजपा की, सब सड़कों पे लोग देख रहे थे, अब अखिलेश यादव आए उनका स्वागत करते हैं और चुनाव में मजा आएगा। कितने बजे नामांकन के लिए आप अपनी टीम को लेकर निकलेंगे यहाँ से? नामांकन करने गए हैं पापा और अब सीधा यहीं आएंगे सब लोग, यहाँ से ही सीधा जाएंगे। हमारे साथ और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए हमारे साथ ये युवा जो आपने देखे कि पहली जो बार इस बार मतदान करेंगे उनको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जागरूक कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि मतदान जो है जरूरी है, आप लोग जरूर करें जिससे कि जनता लगातार बीजेपी के जो भी प्रत्याशी है, कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है वह जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कन्नौज से GMD न्यूज के लिए कैमरामैन कुलदीप के साथ शिवम सैनी।